सबका यही चीज़ डिमांड है कि जो नेशनल वाइड प्रोटेस्ट है, हमारी जितनी भी IMA की डिमांड्स है सिक्योरिटी को लेके, डॉक्टर्स की इस सेंट्रल एक्ट को लेके, और जितने भी डॉक्टर्स हैं उन सबको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए और जो रूल्स हैं वो स्ट्रिक्ट होने चाहिए और अटेंडेंस वगैरह को अलाउ नहीं करना चाहिए पेशेंट्स और डॉक्टर्स के ऊपर ये सब मारा पीटी करने के लिए और कुछ भी डिमांड्स करने के लिए, यही हम सब लोग चाहते हैं। और कोलकाता के अंदर जो चीज़ हुई है उसके जितने भी लोग अपराधी हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा मिलनी चाहिए और सारी की सारी चीज़ें जो हैं एकदम पुलिस उनको सारी उनकी छानबीन अच्छे से करनी चाहिए। ये सारी हमारी डिमांड्स। तो ये प्रोटेस्ट अभी हमने एक सिम्बॉलिक तरीके से चालू किया है उन डॉक्टर्स को जो वेस्ट बंगाल में जूनियर डॉक्टर्स है वो जो फास्ट अनटू डेथ का जो हंगर स्ट्राइक किया है उनको सपोर्ट करने के लिए और उनके साथ सॉलिडरिटी बताने के लिए हमने ये प्रोटेस्ट रखा है। हमारा तो फिर भी सिर्फ 12 आवर्स का है बट उनका तो फास्ट अनटू डेथ है। उनकी मेन डिमांड्स वो थी कि एक तो सिक्योरिटी ज़्यादा अच्छे से बढ़नी चाहिए मेडिकल कॉलेजेस में, स्पेशली जहाँ पर महिलाओं के साथ अच्छा नहीं होता है और अटेंडेंस के साथ और इन जनरल जो एट्रोसिटीज़ है वो जो होती है लोगों के साथ, उसके लिए सिक्योरिटी मेल और फीमेल सिक्योरिटी दोनों बढ़नी चाहिए मेडिकल कॉलेजेस में और प्रॉपर तरीके से ये जो इंसिडेंट हुआ है उसकी इन्वेस्टिगेशन उतनी अच्छी तरीके से हुई नहीं है तो उसको स्पीड अप करने के लिए करें। तो मेनली तो यही डिमांड्स है और हम मतलब यही बताना चाहते हैं कि वो अकेले नहीं है जो जूनियर डॉक्टर्स वेस्ट बंगाल में है, पूरा कंट्री के जूनियर डॉक्टर्स और जैसे आप देख रहे हैं सीनियर डॉक्टर्स भी सब उनके साथ ही है। और ये प्रोटेस्ट आई थिंक तब तक चलेगा जब तक ये डिमांड्स मीट नहीं हो जाती और मेन तो यही डिमांड्स है कि सिक्योरिटी प्रॉपरली इंक्रीज होनी चाहिए मेडिकल कॉलेजेस में। Thank you.